विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम ऑनरेरियम देंगे इमाम्स और मौजनों को, मौजन को। मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आपकी गवर्नमेंट है, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां दे रहे क्या आप? पहली मरतबा केसीआर साहब ने ये फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया और आज 5,000 आज ऑनरेरियम दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में कहीं भी कांग्रेस जहां भी गवर्नमेंट है वहां नहीं दिया जाता, यहां बात किया जाता है कि हम देंगे। हम जरूर वादा करते हैं इमाम से और मौजन भाई से कि आज जो 5,000 आपको मिल रहा इसको हम दुगना करेंगे और ऑन पार, जैसे अर्चक के साथ ऑन पार आपका भी 10,000 जरूर करेंगे, हम वादा करते हैं। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रहती है 12% तहफात के बारे में बीआरएस ने अपने वादा नहीं निभाया। मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमने 16 अप्रैल 2017 को हमने लेजिस्लेशन पास किया असेंबली में तेलंगाना में और बिल हमने भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रवैया तो आप जानते ही हो, उन्होंने इनकार कर दिया और इसलिए हमने क्या किया, कोशिश हमने ये की कि सुधीर कमीशन के जरिए एक जो रिपोर्ट बनी जिसको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी रेटिफाई किया, हमने साफ साफ कहा कि ये रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन आप दीजिए। बार बार हमने कोशिश की, तब जाके फिर हमें एक इतला मिला, एक खबर मिला कि कहीं ये 12% रिजर्वेशन के चक्कर में आप 4% भी ना खो दो। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली हमने ये सोचा कि आगे 2024 में जब सेक्युलर गवर्नमेंट बनेंगी जिसमें बीआरएस का एक अहम भूमिका रहेगा तो उसमें जरूर ये वादा निभाने की कोशिश, क्योंकि 2017 में हमने ये कानून पास किया तेलंगाना असेंबली में, तो निभाने की कोशिश पूरी तरह से तब करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहता हूं, हमने वादा नहीं किया था हमारे मैनिफेस्टो में, पर हमने 2005 स्कूल हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए 2005 स्कूल और 2004 रेजिडेंशियल कॉलेज भी हमने चालू किया, तश्कील किया हमने माइनॉरिटी के लिए, और करीब करीब 700 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं हर साल बच्चों की तालीम के वास्ते, ताकि वो काबिल बने और दुनिया से मुकाबला करें। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में जो आज गरीब मुसलमानों को भी, साथ ही साथ गरीब बैकवर्ड क्लासेस को भी 20 लाख तक ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो आज कांग्रेस पार्टी करी, मैं उसके बारे में बस एक ही चीज बोलूंगा कि ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे मुसलमानों के और माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के बीच में अननेसेसरी एक तनाव पैदा करने वाली एक प्रोग्राम है और जी शादी मुबारक करके एक स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने चालू की थी और उसमें आज तक 2,70,000 से ज्यादा बच्चों को फायदा मिला। बजट भी 2,330 करोड़ हमने खर्च किया, हमारे महमूद भाई याद दिला रहे। तो मैं बस यही कहूंगा आखिरी में कि जो भी आपका डिक्लेरेशन है इससे ऊपर, इससे कहीं गुना ज्यादा हमने ऑलरेडी डिलीवर किया। और हमारे भाइयों को, बहनों को मैं बस इतना ही कहता हूं कि आज आप नीयत देखिए कांग्रेस पार्टी की, आप सोचिए एक मिनट के लिए कि जहां वो लोग सत्ता में कर्नाटक में राजस्थान में काम नहीं करते वहां वेलफेयर नहीं करते, पर यहां आके बोलते हैं कि 4,000 देंगे, 4,000 करोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप जरा एक बार पूरी तरह से छानबीन करें डिक्लेरेशन का और साजिश आप समझे। और यहां पे जो बीजेपी का, बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला पीसीसी प्रेसिडेंट जो है उसका आइडियोलॉजी, और लग रहा है कि बीजेपी का आइडियोलॉजी और कांग्रेस का आइडियोलॉजी तेलंगाना में मिला जुला है। मैं एक और